रबी शराहली सदरी व यसरली अमरी वाहलू लुगदतम मिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रबी ज़िदनी इल्मा रबी ज़िदनी इल्मा रबी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रेड 10 स्टूडेंट्स बेटे, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन, देन एवेल्यूएट। अच्छा बेटे, हमेशा आपने याद रखना है, जब कभी भी हम बात करते हैं अल्फा और बीटा वाले रूट्स वाले क्वेश्चंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द सम एंड द प्रोडक्ट। सम का भी फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है ना। अब आपको इस इक्वेशन से मैं दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ कि ए बी सी होते क्या हैं। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होता है यानी कि 1, वो ए है, एक्स का कॉफिशियंट बी है, और ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये सी है, ठीक है। यानी कि इसमें ए 1 है, बी क्या है पी, और सी क्या है क्यू। अब यहाँ से हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर 1 माइनस बी। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा, सी ओवर ए, सी क्या है कॉन्स्टेंट, क्यू, और ए क्या है 1, तो क्यू आ गया। अच्छा, अब वो पार्ट फर्स्ट में कह रहे हैं अवेल्यूएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर हम वैसे देखें तो इनके कोई सेंस नहीं बनती ना। हम अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, वो आपने याद रखना है, ये बहुत जगह पे यूज़ होगा। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज़ लिखें, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें तो यही रिजल्ट रह जाएगा ना। इसका मतलब है इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज़। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? पुट वैल्यूज़। वैल्यूज़ कौन सी? जो आपने सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली थी। अब ये देखें, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है ना, वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे माइनस पी, अल्फा बीटा की जगह क्यू लिख देंगे। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह क्यू आ गया, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बताया था, जब कभी भी मैथमेटिक्स में पी बाय क्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, यू ऑलवेज हैव टू टेक व्हाट थिंग, शाबाश, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ गया? बीटा और अल्फा है ना, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। बीटा बीटा से कैंसिल, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब ये देखें, ऊपर फिर आपके पास वही चीज़ नहीं बन गई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जो इस सवाल में आपके पास बन रही थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज़। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पर पुट वैल्यूज़ कर देनी, वही वाली, कौन सी वैल्यू? जो आपने इन सवाल में शुरू में निकालनी थी, सम निकाला था माइनस पी और प्रोडक्ट निकाला था क्यू। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, ये सम था ना अल्फा प्लस बीटा, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्यू डिवाइड बाई अल्फा बीटा क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई क्यू। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो कि आप इसको यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ओवर क्यू अलग लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, आप ये भी लिख सकते हैं। बेटे नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम स्टेप्स सेम प्रोसीजर बट द वैल्यूज माइट बी चेंज। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू। अगेन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसमें ए क्या है एल, बी क्या है एम, सी क्या है एन, तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर लोगे। फिर क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सबसे पहले आपने देखना है इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अल्फा स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है वो कॉमन आ गया, बीटा स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा बीटा होल स्क्वायर और अल्फा बीटा एज अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। पुट वैल्यू, जो वैल्यू आपने यहाँ से भी फाइंड की है, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये एन ओवर एल होल स्क्वायर था तो एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं ना,
ये माइनस एम बाई एल एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू एल एल क्यूब आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस वन ओवर बीटा स्क्वायर। बात बेटे वही वाली है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब पी बाई क्यू फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए दरमियान प्लस या माइनस आओ तो हमेशा क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर इंटू वन बीटा स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इंटू वन अल्फा स्क्वायर। ऊपर क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही अल्फा स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया और ये वही फॉर्म मान रही थी जो पिछले क्वेश्चन में मान रही थी, तो साथ मैंने टू अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इसको मैंने लिख दिया अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इस सारे की जगह क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देनी है, वैल्यूज कौन सी जो आपने इस क्वेश्चन में ऊपर सम की निकाली है और प्रोडक्ट की निकाली है, पुट वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी अल्फा बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर लिख दिया, माइनस टू एन ओवर एल आ गया, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ऊपर वाले का न्यूमिरेटर का एलसीएम आ गया, एल स्क्वायर और एल का एलसीएम एल स्क्वायर आया, एल स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर एम स्क्वायर माइनस एक एल एल से कैंसिल तो टू एन एल आ गया, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एल स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस टू एन एल डिवाइड बाय एल स्क्वायर। अब यहां पर वो डिवाइड हो रहा था, डिवाइड जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एल रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस स्टेप में ये किया है, एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर किया है, ये देखें जब इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ गया। यहाँ से अब हमने क्या किया, यहाँ से देखें कि हमारे पास एक स्टेप ये आ रहा है कि ये देखें ये एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर माइनस टू एन एल डिवाइड बाई एन स्क्वायर आ गया। इसको आप एन स्क्वायर को अलहदा भी लिख सकते हो कि वन ओवर एन स्क्वायर अलहदा लिख लिया और इस वाले को विद इन ब्रैकेट लिख लिया, दोनों आंसर ठीक हैं। बेटर डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।